सेवन हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। फर्स्ट आदत, बी प्रोएक्टिव, ब्लेम करने वाले ना बने, जो कर सकते हैं उन हालात में वो करने वाले बने। सेकंड चीज, अपने एंड को जहन में रख के कोई भी काम शुरू करें, किसी भी काम के अंजाम को जहन में रख के शुरू करेंगे, काम का अंजाम क्या होगा। थर्ड थिंग क्या आती है, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो अहम काम है उसे पहले करें, जो पहले करने वाला है उसे पहले करें, जो बाद वाला है उसे बाद में करें। फोर्थ, विन विन सिचुएशन क्रिएट करें, खुद भी जीतें और दूसरों को भी जिताने की कोशिश करें। और जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर मुझे कम मिल रहा है लेकिन आप जीत रहे हो, आप वहाँ पर कम लेने की कोशिश करें और दूसरे को जिता दें। आपको 30% भी मिल रहा है तो आप लें, अगर आप 70% दूसरे को देने चाहते हैं तो वो दे दें आपको, उसका बेनिफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा। फाइव क्या है, सुने, गौर से सुने फिर अपनी सुनाएं। सिक्स क्या है, मुताबकत पैदा करें कि दूसरे लोगों के साथ मिलजुल जाएं, उनको लगे कि आप उन जैसे हो, तभी वो आपके साथ मिलकर चलने की कोशिश करेंगे। सेवंथ क्या है, तलवार को बार बार तेज करते रहें। सेवन शार्पन दी सा, बार बार अपने हुनर पे काम करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, इसको प्रैक्टिस कहते हैं, बार बार अपने हुनर पे काम करते रहें, इसको क्या कहते हैं, प्रैक्टिस। जो भी आपके पास हुनर है, जो भी आपको काम मिलता है उस पर बार बार काम करें। ये सात आदत आपके अंदर होंगी तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये उन 3000 लोगों की आदत हैं जो ज़िंदगी में कामयाब हुए हैं, और ये स्टीफन आर कोवे ने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ उनकी रिसर्च करके हम तक पहुँचाई है किताब के ज़रिए, और वो किताब है सेवन हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।